प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्ट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य टनल अने 5 अंडरपास नु कर्यु उद्घाटन। 1.6 किलोमीटर लांबी टनल थी दिल्ली एनसीआर ना लोकोनी अवर जवर बनशे सरल। वैश्विक नवीनतम मापदंड साथे 920 करोड़ रुपयाना खर्चे तैयार थई छे टनल। पीएम नरेंद्र मोदी चेस ओलम्पियाड नी 44मी आवृत्ति नी ऐतिहासिक मसाल ने प्रस्थान करावीने शुरुआत करावशे। महाबलीपुरम में 27 जुलाई शुरू थनारी स्पर्धा अगाउ ऐतिहासिक मसाल यात्रा नु देशभर में थशे भ्रमण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे कह्युं स्पर्धा ने कारण युवानों में चेस प्रत्ये आवशे जागृति। આજે નવી દિલ્હીમાં યોજાશે ભારત બાંગ્લાદેશના સંયુક્ત સલાહકાર પંચની 7મી બેઠક। ભારતના વિદેશમંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર અને બાંગ્લાદેશના વિદેશમંત્રી અબ્દુલ મોમિન કરશે બેઠકની સહઅધ્યક્ષતા। આસામમાં પૂર પ્રકોપને કારણે સર્જાઈ ગંભીર પરિસ્થિતિ। આસામમાં વરસાદી આફતને કારણે 8 લોકોના થયા મોત, તો મેઘાલયમાં પણ સ્થિતિ બની વધુ કપરી। अमदावाद खाते राज्यपाल मुख्यमंत्री तेमज योग गुरु स्वामी रामदेव की उपस्थिति में योजा योग शिबिर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्वामी रामदेव जी साथ करिया योग और प्राणायाम। राज्यपाले योग और प्राणायाम ने स्वास्थ्य माटे नवी प्रेरणा प्रदान करना गणाव्या। एकवीस जूने मुख्यमंत्री ना अध्यक्षस्थाने थसे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस नी राज्य कक्षानी उजवणी। साबरमती रिवरफ्रंट खाते 7500 लोको करशे योग। गुजरात योग बोर्ड द्वारा राज्य में 750 थी वधु योग कोच अने 60000 थी वधु योग ट्रेनर कराया तैयार। देश में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 12899 नोंधाया नवा केस। 8518 दर्दी थया साजा। कोरोना थी वधु 15 दर्दी ना मृत्यु। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में नोंधाया 234 नवा केस। 159 दर्दीओ थया स्वस्थ। अमदावाद में सौथी वधु 130 नवा केस। नीरज चोपड़ाए पुरट्टन गेम्स में जीत्यो सुवर्ण चंद्रक। 86.69 मीटर भालो फेंकी ने मेड़वी जीत। टोक्यो ओलंपिक्स बाद नीरज चोपड़ाए पहली वक्त जीत्यो सुवर्ण चंद्रक।